सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से यहां की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, जहां विपक्ष के सबसे बड़े बोल केएन त्रिपाठी स्वास्थ्य विभाग पर हमला बोल चुके हैं, वहीं अपने ही सरकार के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही कई दिनों से पलामू में युवा पलामू के रूप में जाने जाने वाले नेताओं ने भी स्वास्थ्य विभाग पर अपनी तीखे तेवर शुरू कर लिए हैं। आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत केएन त्रिपाठी ने सदर अस्पताल के समक्ष 2 दिवसीय धरना दिया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरे झारखंड सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए केएन त्रिपाठी ने कैपिटल न्यूज के साथ बातचीत में यह बताया कि झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, वो स्वास्थ्य विभाग का पूरा जिम्मा रिश्वतखोरी के आधार पर रामचंद्र चंद्रवंशी को दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पैसा लेकर मुख्यमंत्री अब तक स्वास्थ्य विभाग को बख्शे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के बावजूद स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई नहीं होना यह साफ साफ दर्शाता है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त नीति अपना रही है। कांग्रेस का यह धरना यहाँ जारी है और यह धरना कल भी जारी रहेगा। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग यह धरना रांची में प्रोसेशन प्रोटेस्ट मार्च शुरू करने जा रहे हैं। पलामू जिले में, सिर्फ पलामू जिले में मामूली बीमारियों से पिछले 3 महीनों में 135 लोगों की मौत हो गई है, मलेरिया से, डायरिया से, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से। उसके खिलाफ़ यह धरना है।